वैसे तो ढक्कन की ज्यादा कीमत नहीं होती है, मटकी की होती है। और मटकी के ऊपर अगर ढक्कन नहीं रखा तो बेकार। घड़े के ऊपर भी जब ढक्कन नहीं होता है तो पानी पीने का मन नहीं करता है, इसके ऊपर तो ढक्कन ही नहीं था। हर चीज को तुम ढक के रखते हो, ऐसे ही रखेंगे तो कभी मच्छर पड़ गया, कभी मक्खी पड़ गई, कभी कोई चीज पड़ गई, तो वो चीज तुम्हारी बेकार हो जाती है। आजकल खासतौर से जब शाम को इतने मच्छर होते हैं तो खाना खाने में भी पहले ही तुम दरवाजे सब बंद कर देते, नहीं तो इतने बत्ती के मच्छर आ जाते हैं जो तुमको खाना बनाना भी मुश्किल, खाना भी मुश्किल। ऐसे उड़ते रहते सब। तो दुनिया में भी ऐसे ही सब हवाएं चलती रहती हैं, ऐसे लोग मिलते रहते हैं, ऐसे मक्खी मच्छर घूमते रहते हैं बेकार, तो सब तुम्हारे को अंदर में जूठा कर देते, खराब कर देते, तो तुम किसी के लायक भी नहीं बचते। कोई खा सके उसको, बेकार हो जाए। उस दिन सुबह कोई पराठा बन गया था एक्स्ट्रा, हमने उसके ऊपर प्लेट ढक के रख दिया, और कमरा भी बंद रहता है। दोपहर में ये लोग लेके आए तो वो आधा भी नहीं था, दोनों तरफ से ऐसे लग रहा था किसी ने उसको जूठा किया हुआ है। हमने पूछा तुम लोगों ने खाया क्या इसमें से, बोला नहीं हमने तो नहीं खाया। तो किसने खाया? हमारे घर में नेवला आता है, वो दरवाजे के नीचे से घुस के आ जाता है, किसी जगह है, उसने कारपेट काट काट के अपनी जगह बना ली है घुसने की। वो घुस के इतने बारीकी से उसने खाया था, लग रहा था जैसे किसी ने इंसान ने तोड़ के खाया हो, दोनों तरफ से खाया हुआ और बीच की जरा सी टुकड़ी बची हुई। मैंने कहा ये देखो कैसे ध्यान नहीं दो, हम सोचे शायद किसी लड़की ने खा लिया होगा, लेकिन वो ढक्कन को आराम से हटा देता है और उसके अंदर से ऐसे ऐसे करके खा लेता है। चूहा भी कुतर कुतर के तुम्हारे से नुकसान कर देता। तो ढक्कन भी लगा रहे और संभाल के भी रखो, दोनों ही बात जरूरी है। ढक्कन लगा रहे दूध पर तो भी अगर बिल्ली आती है तो ढक्कन भी खोल दे, इतनी तेज होती है। हम मिठाई का डिब्बा खोल देते उधर अलमारी के ऊपर रख देते, वहां भी कूद जाती है, वहां से उतार के गिरा के आराम से खा पी के पेट भर के जाती है। जो बच्ची होती है हम कहते हैं लड़कियों को ये बीमार छोड़ा हो बेचारी खा जाए, पूरा खा नहीं पाई होगी, पूरा डिब्बा कैसे खाएगी, जितना उसका पेट भरा वो खाते चली गई। तो हर चीज की संभाल चाहिए, ऐसे नहीं कि कोई चीज तुमने कहां भी रख दी, कहां भी पटक दी, चलो ढक्कन रखा हुआ है कुछ नहीं होगा, लेकिन फिर उस ढक्कन को भी कोई खोल सकता है। कई ऐसे होते हैं अंदर से तेज अपने विकार, वो कहेंगे गुरु को भी हटा दो, अपने गुरु की हर बात थोड़ी मानोगे, बहुत चतुर है ये मन, कब आकर के क्या कर जाए। पक्षी तो उड़ के डालता है चोंच, लेकिन ये जानवर तो ऐसे होते हैं ढक्कन को भी खुरच के ऐसे निकाल देते हैं और आराम से खा जाते। तो ये अंदर छिपे हुए विकार बहुत है, अपना मन अहंकारी है, राग द्वेष वाला है, वो अंदर ही अंदर कुतर्कता रहता है, कुतर्क करता रहेगा, बातें करता रहेगा, मतलब सीधे से गुरु की बात मानने में भी कुछ सोचा विचार ही करता रहता है, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है, इतना असंग कैसे हो सकते हैं, इतने अलग कैसे हो सकते हैं माया से, इतना कैसे छोड़ देते हैं। तो मन माया में रम रहे हो, निकसत नाय नहीं, निकलता ही नहीं है अंदर से, माया में
इतना रंग जाता है और देखा देखी इतनी दुनिया में बढ़ गई है, शो बढ़ गया है, शो से शोक बढ़ गए हैं, और शो के लिए फिर माया चाहिए, माया के लिए फिर नौकरी चाहिए, नौकरी के लिए फिर भटकना चाहिए, धन कमाना कोई आसान काम थोड़ी है, फिर भी भाग्य नहीं हो तो भी नहीं मिलता। अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग बैठे रहते हैं, कोई सर्विस नहीं मिलती है, कोई काम नहीं मिलता, जितना भाग्य है उसी से ज्यादा किसी को मिलता भी नहीं। लेकिन इंसान सोचता है कि मैं अपनी तकदीर को भी बदल दूंगा, भाग्य को भी बदल दूंगा, मैं ऐसा संकल्प करूंगा, मैं ऐसा काम करूंगा, मैं खूब धन कमाऊंगा, मैं शादी करूंगा, मैं पालूंगा। ये अहम इतना जबरदस्त है कि दुखी वही कर रहा है। हम लोग कभी कभी सोचते हैं शायद मेरे ये सब अभाव दूर हो जाएंगे तो हमको शांति मिल जाएगी, तो हम उन अभावों को पूरा करने में अपनी जिंदगी गंवा देते हैं। सारी जिंदगी ये सोचते हैं अब ये हो जाए तो ये करेंगे, ये हो जाए तो ये करेंगे, शेख चिल्ली के सपने ही देखते रहे, घी का डिब्बा बिकेगा तो इतना मिलेगा, तो ऐसे होगा तो ऐसे होगा, फिर घर बनाऊंगा, फिर घर बनाऊंगा तो फिर ऐसे बैठा रहूंगा ठाट से, सेठ बन जाऊंगा, नौकर को बुलाऊंगा, नौकर देर से आएगा तो उसको लात लगाऊंगा, तो लात लगाई तो सीधे घी के मटके पर पड़ गई, मटका टूट गया, शेख चिल्ली का सपना खत्म हो गया। सपने तो होते ही सपने, अपने नहीं बनते, तो वो सोते के सपने, जागते के सपने। जागृत में भी तुम्हारा मन आगे 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 सोचता है, अब ऐसे करूंगा, अब ऐसे करूंगा, अब ऐसे करूंगा, तोड़ देता नहीं है भगवान को कि तू जैसे रख दे, तू जैसे भी चला दे, किसी भी दिशा में ले चल जिंदगी की राह, चाहे हंसी भरा संसार दे या आंसुओं की धार, जो भी देना चाहे दे दे करता दुनिया के तारों का, फूलों से भी प्यार तेरे कांटों से भी है, फूलों से भी प्यार है तो जीवन में अगर कांटे भी आते हैं, दुख भी आते हैं, तुमसे भी प्यार, परिस्थितियां तो आएंगी जाएंगी, इनके ऊपर तुम्हारा कंट्रोल नहीं है, ये विधि का विधान है कि दिन के बाद रात आती है, रात के बाद दिन आता है, दुख आते हैं सुख का संदेशा लेके आते हैं, सुख आते हैं दुख का संदेशा लेके आते हैं, मालूम है आज अभी सवेरा हुआ है तो शाम होगी, फिर रात होगी, फिर रात को उठ के देखते हैं अभी 3 बजे है, अभी 3:30 बजे है, अभी 4 बजे है, अब सवेरा भी होगा, तो रात कटती है सवेरे के इंतजार में, और सवेरा जाता है तो रात आती है, तो वो उसका सुख का संदेश लेके आता है, कोई दुख का संदेश लेके आता है, हम पहचान नहीं पाते, हम समझते शायद जिंदगी सिर्फ अच्छी ही गुजरेगी, और खास तौर से जब सत्संग में आ जाते हैं तब तो और हम लोगों को लगने लगता है अच्छा अब तो हमको भगवान मिल गया, अब तो जो चाहूंगा सो मिल जाएगा, जो मांगूंगा सो मिल जाएगा, जैसा करूंगा ऐसा हो जाएगा। तो गुरु कोई तुम्हारी डिमांड्स पूरी करने के लिए नहीं, देवी देवताओं के पास भी दरवाजों पर जाकर के तुम भिखारी ही बने रहते, कभी भगवान के दर पर तुम इस आशा से नहीं जाते हो कि भगवान मिले। मंदिर में जितने लोग खड़े रहते हैं तुम जाके एक एक से पूछो कि तुमने क्या मांगा, कोई धन मांगता है, कोई पुत्र मांगता है, कोई कुछ मांगता है, कोई कुछ मांगता है, भगवान कौन मांगता है। अखंड पाठ रखते हैं हम लोगों में, तुम लोगों में भी अखंड रामायण रखाते होंगे, अखंड भागवत रखाएंगे, तो किस उद्देश्य से रखाते हैं, कोई मनोकामना या तो पूरी हुई तो रखवाते, या तो कोई मनोकामना पूरी हो उसके लिए रखवाते, हमारी बाकी जितनी जितनी
इच्छाएं हैं वो पूरी हो जाए, भगवान सुख सुख पूर्वक ये काम हो जाए तो प्रसाद चढ़ाएंगे, सुख पूर्वक ये हो जाए पास हो जाए, धन मिल जाए, नौकरी मिल जाए, काम मिल जाए, उसके लिए हम ईश्वर के दरवाजे पर जाए, उसके लिए अखंड पाठ रखाते हैं, उसके लिए पूजा करते हैं, उसके लिए सब कुछ करते हैं। लेकिन उनमें से कोई एक भी ऐसा व्यक्ति तुम देखो जिसने इसलिए रखाया हो पाठ कि मुझको मन की शांति मिले या मेरा मोक्ष हो जाए या मेरे को आनंद मिल जाए, कोई इसलिए नहीं रखाता है। हाथ भी जोड़ के हम कुछ मांग लेते हैं, पूजा के भी दो फूल चढ़ा करके समझते हैं हमको सारी सृष्टि का मैं राजा बनता हूं। हकीकत में फूल एक प्रतीक है कि जीवन रूपी पुष्प भगवान मैं तेरे आगे रख रहा हूं, कर्मों का फल तुम्हारे आगे रख रहा हूं, तो पुजारी तुम्हारे दो लड्डू लेके बाकी तुमको दे देता है, तुमने दुकान वाले से मिठाई खरीदी लड्डू खरीदा, पुजारी के हाथ में गया उसने भगवान के लिए तो उसमें से निकाल के तुमको बोला ये प्रसाद, फिर तुम उसको प्रसाद ही बोलते और वो प्रसाद जाकर के तुम सबको बांटते। हनुमान जी का प्रसाद खा लो आज सोमवार है, आज शिव जी की कुटी खा लो, तो बनाया तुमने ही घर में और फिर उसको तुम प्रसाद रूप से ही लेते। तो जीवन भी तो प्रसाद है ना, तुमने जब ईश्वर को अर्पण कर दिया, गुरु की फीस ही इतनी है, तन मन धन दो, वो भी तेरी खुशी के लिए, वो तुम्हारी सारी पोजेशन सिर्फ इसलिए लेता है कि तू अब इसकी सिरदर्दी मत कर, तेरे को सिरदर्द करने की जरूरत नहीं है, तू सौंप दे मुझे, और सौंपने के बाद अगर तुम सोचते हो तो फिर तुमने सौंपा ही नहीं, अगर सौंप दिया है तो सोचने की जरूरत नहीं है, और नहीं सौंपा है तो फिर क्या करने आए हो, अपने से ही पूछे, क्या जीवन के फूल तुमने चढ़ाए, क्या जीवन का फल तुमने अर्पित किया, नहीं किया। बार बार मन तुम्हारा जो है इसी चीजों में घिरे में गिरता रहता है, अर्पण पूरी तरह नहीं करता, पूरा समर्पण हो जाए तो पूरा आनंद मिल जाए, फिर सोच विचार तुम्हारे शांत हो जाए, और आनंद ही तब आएगा जब तुम सोच विचार अपने बंद करो। जब तक सोच विचार चल रहा है तो नेचुरली किसी और का चल रहा है, चाहे माया का, चाहे संबंधियों का, चाहे दोस्तों का, चाहे धन का, यही विचार चल रहा है, अब ये करूंगा फिर ये करूंगा फिर ये करूंगा और फिर फंस जाऊंगा, ये भूल जाते। बोला भगवान कब रोते, जब संत शादी करता है, उसको लगता है ये अच्छा संत बना, अच्छे रास्ते पर जा रहा था, इसको क्या पड़ी थी जो ये माया के चक्कर में पड़ गया। दुनिया वाले करते हैं उनको करने दो, उनको पता ही नहीं, पर तुम अच्छा खासा फूलों का रास्ता छोड़ोगे फिर तुम कांटे के रास्ते पर क्यों गए। नारद ने इनकार किया, भगवान मैं तो नहीं फंसूंगा तुम्हारी माया, भगवान ने बोला जाओ लोटा भर के आओ, क्या तुम कर रहा हूं पानी का लोटा भर के आओ, चला गया डुबकी लगाई गुम हो गया, किसी दूसरे शहर में पहुंच गया, वहां नौकरी पेशा करने लगा, परदेसी बन गया, राजा की नौकरी की, राजा ने बोला क्या चाहिए तेरे को, कहता मेरे को शादी करनी, बोला ठीक है शादी कर लो, बहुत अच्छी सुंदर राजकुमारी से उसकी शादी करा दो, शादी करा दी तो फिर बाल बच्चे तो वो नहीं होने, दो चार बच्चे भी हो गए, अचानक महामारी हुई उसके बच्चे भी दो मर गए, फिर पत्नी भी मर गई, तो खूब चिल्लाने लगा रोने लगा, कहता रे मेरी पत्नी भी मर गई, इतने चाव से शादी करी और वो भी मर गई। तो उस शहर का कानून ऐसा था, बोला अगर स्त्री मर
मर जाती है तो पति को भी सता होना पड़ेगा। अब तू जल इसके साथ, जैसे पहले स्त्री सती होती थी पति के मरने पर, अब पत्नी के मरने पर तुझे इसके साथ चलना। कहता ना मैं तो नहीं चलूंगा। अरे बोला ये रिवाज है, उसको भी बांधा बूंदा कस के चिता बनाई, ऊपर से उसको डालने जा रहे थे तो खूब चिल्लाया, जोर से चिल्लाया तो भगवान पहुंच गए। अरे नारद क्या हुआ? अरे बोला मैं नहीं जलूंगा, मैं नहीं जलूंगा। कहां जल रहा है? बोला चिता पर मेरे को जला रहे। बोला शांत हो जाओ, पानी भर गया, यही खड़े हो तुम, कहां सोच लिया उसने। तो इंसान जब जलता है ना तब पुकारता है। उसको भी जबरदस्ती बांध के बोला मुआ तुम सत्ता होता है कि नहीं होता है? पहले स्त्रियों को सती बनाते थे, तेरे को भी जला। तो माया में मिलता गया जलन मिलती। इतने अच्छे तरीके से गुरु हम लोगों को गाइड कर देता है, ऐसा भी नहीं लगता कि कोई कर्कश बात कह रहे हैं, पर इतने मीठे शब्दों में इतने प्यार से जिंदगी का राज समझा देते हैं। अगर कोई गुरु को सुन ले, मान ले, समझ ले तो कल्याण हो जाता है। अभी जब हम लोग इधर आ रहे थे तो आजकल नहीं हर जगह बुक स्टॉल बने रहते हैं, स्टेशन पे खड़े हो तो रेलवे स्टेशन पे उधर बुक स्टॉल होता है भाई देख सकते हो, एयरपोर्ट पे जाओ उधर बुक स्टॉल होता है देख सकते हो। तो एक बुक स्टॉल देख रहे थे तो एक शायर की बात ऐसे ही पढ़ने में आ गई थी, जरा सी याद रह गई, बहुत अच्छा बोला उसने, अपने मन में डूब कर पाले सुरागे जिंदगी। सुराग किसको बोलते हैं? कि किसी चीज का रहस्य पता चल जाए। पुलिस क्या करती है? चोर का सुराग ढूंढती है, डकैती होती है सुराग ढूंढते हैं। आप भी कभी कभी फंस जाते हो किसी काम में, सुराग ढूंढते हो, भाई सुराग मिल जाए ना एक, ये काम कैसे हो सकता है? सुराग मिल जाए ना ये बंदा कैसे काम कर देगा मेरा, सुराग ढूंढते हो। तो उसने बोला अपने मन में डूब कर पाले सुरागे जिंदगी, उसका नहीं बनता तो ना बन, कम से कम अपना तो बन। कई बार कहा तो ये जाता है कि तुम भगवान के बन जाओ, भगवान को अपना बना लो, पर उसने बोला चल तू उसका नहीं बनता तो ना बन, अपना तो बन। अब कितना रहस्य है इस बात में कि इंसान अपना भी नहीं। बात तो यही निकली ना, जैसे गीता में भगवान ने बोला ये जीव आत्मा आप ही अपना शत्रु है और आप ही अपना मित्र भी है। अब अगर हम अपने मित्र बने, मना हम अपना उद्धार करें, मना अपना जीवन संसार में व्यर्थ ना करें, मना अपने जीवन की हम वैल्यू करें, तभी हम अपने मित्र हो सकते हैं ना। अगर हम अपना जीवन का उद्देश्य ही नहीं प्राप्त करते या समझो पहचानते ही नहीं तो हम अपने शत्रु हो गए। अब भगवान का बनने में तो हम एहसान ठोकते हैं, हम भगवान के बने, लेकिन वो कहता है कि चल तू ना बन भगवान का, अपना तो बन। तो अपने साथ वो कर रहा है जो एक दुश्मन भी ना करे किसी के साथ, हम अपने साथ वो कर रहे हैं। वैसे तो लगता है ना कोई दुश्मन है तो वो बुरा करेगा हमारा। अभी समझो कोई हमारे इसको पकड़ ले, जैसे पिक्चरों में दिखाते हैं कोई वो होते हैं ना जासूस टाइप, अब वो दूसरे देश में जासूसी करने गए, पकड़े गए तो कितनी उनकी बुरी हालत कर देते हैं भाई, दुश्मन ही ऐसे निकालते हैं। कहते हैं कोई दुश्मन भी ऐसा ना गति करे किसी की जो मनुष्य अपनी दुर्गति आप कर रहा है, क्योंकि अपने जीवन के उद्देश्य को नहीं जानता, क्योंकि अपना जीवन व्यर्थ गवा रहा है,
क्योंकि सारा समय माया के चिंतन में है, क्योंकि पूरा समय उसके अंदर जगत के विचार हैं। अब इतना सुंदर जीवन परमात्मा ने दिया, इतना सुंदर रास्ता हमको दिखाया सत्संग देके, उसके बाद हम देखें हमारा जीवन किस दिशा में है, हमारे अंदर एक निश्चय कौन सा है कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मेरा जीवन किस लिए है। ये सब चीजें अगर हमने नोटिस नहीं की तो फिर हमने अपने से ही तो दुश्मनी की। अब जीवन मिला आपको सत्य की प्राप्ति के लिए, जीवन मिला आपको भगवत प्राप्ति के लिए, जीवन मिला आपको एक खास उद्देश्य से, लेकिन इसमें आपने क्या किया। फिर वो बात आ गई, दादाजी दृष्टांत बताते थे कि आदमी को गाड़ी मिली दफ्तर से कि दूसरे शहर जाओ, सौदा करके आओ, कुछ डील करनी थी। चला गया वो, अब याद आया कि बीवी बच्चे बहुत दिन से घूमने को कह रहे हैं, उनको भी ले लेता हूँ। बीवी को उठाया घर से, बच्चों को उठाया स्कूल से, गाड़ी भर के चला गया। वहाँ पहुँच के सारा दिन खाया पिया घूमा फिरा एंजॉय किया। शाम को जब घर आने का टाइम आया, याद आया दफ्तर से गाड़ी मिली थी और डील करके जानी थी, मुझे तो सौदा करना था, वो तो मैंने किया नहीं। अब याद आया सौदा, बाजार बंद हो चुकी, अब कोई मिला नहीं उसको किसी दफ्तर में दुकान पे, डील अब हो नहीं सकती थी। अब जब वापिस आया तो डांट भी पड़ेगी, आगे के लिए विश्वास भी खत्म हो जाएगा, हो सकता है नौकरी भी जाए। तो बोला इसी तरह से मनुष्य तन परमात्मा ने दिया, इसके साथ उद्देश्य भी दिया। हम उस उद्देश्य को भूल के बाकी सब कामों में लग गए, खाना पीना घर गृहस्थ शादी बाल बच्चा, ये सब हमको याद है, सब याद है, जो सब छोड़ना है वो याद है। बंगला 5,000 गज का बना लो, तेरे को तो कुछ भी नहीं मिलना। मुसलमानों में फिर भी अच्छा है, उनको 5 फुट जगह दे के दफना देते हैं, तुमको तो वो भी नसीब नहीं है, तुम्हें फूक देंगे 4 दिन बाद, वहां कोई और जलेगा, वो भी नसीब नहीं है। अब सारा जो उद्देश्यहीन कर्म है वो तो हम कर रहे हैं, प्रेफरेंस भी दे रहे हैं, और बार बार सोचते हैं ये तो करना होता है, ये करना बड़ा जरूरी है, ऐसे कैसे जिंदगी चले, ये तो सब याद है। लेकिन ये नहीं याद कि नर्तन मेरे को किस लिए मिला। अब संत लोग बार बार पुकार रहे हैं, नर्तन है इतना प्यारा, मिलता नहीं दोबारा। अरे तेरे को ये नर्तन दोबारा नहीं मिलेगा, अरे तू इसका उद्देश्य पहचान। देवताओं को भी दुर्लभ है ये मनुष्य तन, देवता भी तरसते हैं, देवता लोग चाहते हैं हमको नर्तन मिले और हम अपना उद्धार करें, क्योंकि देवताओं की भी एक योनि है, यहाँ तक कि ब्रह्मा भी अपने लोक सहित लय हो जाता है, ये गीता में भगवान ने बता दिया। भले उसकी अवधि ज्यादा है लेकिन वो भी अपने लोक सहित लय हो जाता है। तो वो भी चाहते हैं कि हमको मनुष्य तन मिले, सदगुरु मिले। मनुष्य तन में विवेक और विचार की संभावना है, और किसी योनि में ये संभावना नहीं। ये जो विवेक शक्ति है ये परमात्मा ने मनुष्य को दी है, औरों के पास नहीं है। जानवर के पास आप देखोगे बुद्धि है लेकिन विवेक नहीं है, उसका भी कोई मर जाता है वो भी रोता है, उसको पता चलता है, संयोग वियोग पता चलता है। कुत्ते को आप हकलते हो, डांटते हो, डंडा दिखाते हो, वो भी भौंकता हुआ जाता है, अपमानित महसूस वो भी कर लेता है, अपने को गुस्सा आ जाता है उसको, ये मेरे को ऐसे बोल रहे हैं, यानी बुद्धि है ना उसके पास भी, वो भी बुद्धि से चल रहा है। लेकिन सत्य सत का विवेक ये जानवर के पास नहीं होता, ये मनुष्य के पास है। अब इस अनमोल रतन को ईश्वर ने, जो विवेक रूपी अनमोल रतन दिया, अगर आप इसका इस्तेमाल नहीं करते हो तो आप अपने से दुश्मनी कर रहे। ईश्वर ने तो दिया है कृपा करके, बहुत अनमोल हीरा दिया है, विवेक शक्ति छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी शक्ति है ये।
जिस सत्ता सत का मंथन करके आप परम सत्य तक पहुंच सकते हो। इतनी बड़ी शक्ति है ये। विवेक को छोटी चीज कभी मत समझना, और इसीलिए कहा जाता है विवेक का कभी अनादर मत करना। ईश्वर अगर आपको विवेक शक्ति बख्श के बैठा है, आप इसका अनादर मत करो। अंदर से आपको जब पता चलता है सच और झूठ का, तो विवेचन करो, मंथन करो, और सत्य का आदर करो, विवेक का आदर करो। जो विवेक कह रहा है वो कार्य करो। देखो हमेशा दो आवाज आती है, मन की भी आवाज आती है, विवेक की भी आवाज आती है। और अभी आदत पड़ी है मन की सुनने की, हम मन की सुन लेते हैं। मन कहेगा क्रोध करो, मन कहेगा हेरा फेरी करो, मन कहेगा झूठ सच करो, मन की सुनते हैं। और अंदर विवेक आवाज दे रहा होता है, मत करो मत करो। कभी भी देखना, लोग कहते हैं भगवान गलत कर्म करने से पहले रोकता क्यों नहीं, हम कहते हैं तुम सुनते नहीं हो। रोकता है, सबको रोकता है। एक चोर भी चोरी करने जा रहा है, ऐसे ऐसे क्यों देखता है? उसको कोई तो डरा रहा है ना अंदर से कि तू गलत कर्म करने जा रहा है, पकड़ा जाएगा। लेकिन वो सुनता नहीं, वो इसको होशियारी मानता है कि मैंने देखा कोई नहीं है, मैं चोरी कर आया। लेकिन सच तो ये है कि आपके भीतर का विवेक, विवेक क्या है? परमात्मा की आवाज है। विवेक क्या है? आकाशवाणी। विवेक आपको हमेशा आवाज देता है। बहुत बार ऐसा होता है आप कहते हो अरे मेरे अंदर आ रहा था ऐसा ना कर, मैंने कर लिया, गड़बड़ कर ली मैंने, बाद में पछतावा होता है। यानी आपको पता है आपने भगवान को अनसुना किया है अंदर से, विवेक को अनसुना किया है अंदर से। तो इसलिए ये अपना बनने का मतलब है, अपने विवेक का आदर करो, विवेक का आदर करो, विवेक से चलो, ईश्वर की आवाज से चलो। ये होगी अपने साथ मित्रता। तब वो कहता है और किसी का ना बन अपना तो बन। अब देखो, और किसी का भला सोचो ना सोचो, अपना भला सोचते हो। दादाजी बोलते थे अगर सड़क पे हमारी मोटर खराब हो जाती है और हम किसी को कहते हैं धक्का लगा दो, तो अगला कहता है मुझे क्या मिलेगा, क्या दोगे? वहां भी 50 पैसे की उम्मीद रखता है, वो जमाना था, 50 पैसे चाराने की उम्मीद रखता है कि गाड़ी को धक्का लगाने में मैंने मदद की। कि इंसान इतना स्वार्थी है कि वो हर बात में अपना बेनिफिट ढूंढता है, लेकिन इतना सुंदर जीवन पाके, जन्म पाके, इसमें अपना बेनिफिट ही नहीं ढूंढता कि मेरा बेनिफिट किस बात में, मेरा लाभ किस बात में। चलो ना बनो, तुम ईश्वर के ना बनो, पत्नी के ना बनो, बच्चे के ना बनो, किसी के ना बनो, अपने तो बनो। दोबारा जन्म मरण में आने की तैयारी तो ना करो, दुख सुख उठाने की तैयारी तो ना करो, अपने आप को अशांत परेशान तो ना जीवाओ, जबकि आनंद में जी सकते हो फिर भी दुखी सुखी होके जी रहे हो, जबकि प्यार में जी सकते हो राग द्वेष में जी रहे हो, अपने साथ ही तो दुश्मनी किए जा रहे हो सारी की सारी। जो कुछ भी हम कर रहे हैं गलत भी, वो हम अपनी परेशानी का इंतजाम कर रहे हैं। बात फिर वही आ गई कि भले अभी अपने स्वार्थ को चुन लो, लेकिन परिणाम तो युद्ध है। कंफर्ट जोन फील होगा थोड़ी देर के लिए, सत्य और स्वार्थ में अगर आप चुन लोगे स्वार्थ को, कंफर्ट जोन फील होगा, लगेगा हाँ मजा आ रहा है, लेकिन परिणाम तो युद्ध निकलेगा इसका। अंत तो ठीक नहीं है ना, अंत भी तो सोचो, वो भी तो विचार करो। तो फिर अपना बनने का क्या मतलब हुआ? अपने भीतर उतरना, अपने आत्मस्वरूप को जानना, अपनी आत्मशक्ति को जानना, अपने निकट होने का प्रयास करना। हम सबसे निकट हैं, अपने से दूर हैं, सबसे निकट हैं जितने भी हैं। ये मेरा दोस्त क्लोज फ्रेंड है मेरा, वो भी क्लोज हो गया, पत्नी तो क्लोज रहे, पास ही रहे, अलग ना हो, हम एक दिन भी अलग नहीं रहे, बड़ी क्लोज है, कमरे में ही सोए, मेरे पास ही रहे, क्लोज है, बच्चे बड़े क्लोज हैं, सारी क्लोज हैं। और आप अपने से फार हो, दूर हो, वो तो नजदीक हैं सारे, सारे घर में ही, माँ बाप भी बैठे हैं, पत्नी भी बैठी है, बच्चा भी बैठा है, सारे बैठे हैं, सारे क्लोज हैं। रात को भी खुश होते हो देख के, बच्चे अपने कमरे में सो गए, माँ बाप सो गए, अब हम भी सोने चलें, है ना, सारे क्लोज हैं। अपना
इसीलिए देखो एक फ्लोर होता है उसपे कमरे हम तीन चार बना लेते हैं, सारे नजदीक नजदीक रहे, ऊपर नीचे भी नहीं रहना चाहते कि फिर दूरी हो जाएगी, पता नहीं चलेगा दुख सुख का, सारे नजदीक हैं, हम अपने आप से हम दूर हैं, अपने आप हमारा बहुत दूर है हमसे। ये प्रयास, अपने नजदीक होने का प्रयास, अपने करीब आने का प्रयास, अपने से निकटता, अपने भीतर उतरना, ये पहला काम है। ये होता है अपना बनना। जब मैं अंतर्मुख होके भीतर गोता लगाता हूं, जब मैं अंतर्मुख होके अपने स्वरूप का निश्चय करता हूं, जब मैं अपने आत्म स्वरूप को जानता हूं, आज तक अपने को शरीर करके माना हुआ था, अब जब अपनी आत्मशक्ति पता चले, अपना स्वरूप पता चले, मालूम पड़े कि जिस ईश्वर को अलग जानता था वो अलग ही नहीं है, मेरे ही ख्वाब ख्यालों ने दुई का शोर पाया, ये सारा शोर मेरे अपने ख्वाब ख्यालों का है, मेरे ख्याल है, जो कहते हैं भगवान अलग है, तू अलग है, जो कहता है तेरा फर्ज, तेरी ड्यूटी, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये सब मेरे ख्वाब ख्याल है और कुछ भी नहीं है। इल्यूजन्स में जीने की आदत हो गई है, हम लोगों को आदत हो गई है इल्यूजन्स में जीने की। कैसे? अब देखो गीता शुरू होती है, उसने पूछा संजय से धृतराष्ट्र ने, गीता कहां से शुरू हुई? दुर्योधन निरीक्षण करता है अपनी सेना का, आया युद्ध के मैदान में, बड़ा खुश होके आया, पहली बात दिखती है वहां पर क्या? दुर्योधन हीन भावना से ग्रस्त नहीं, पहली बात नजर आती है, बड़ा खुश होके आया है। और अपने सारथी को क्या कहता है? जरा मेरे को दिखा, मेरे लिए अपनी जान न्यौछावर करने को कौन कौन खड़े हैं वीर। अहंकारी की भाषा देखो, वो मिलना नहीं चाहता उनसे, ग्रीट नहीं करना चाहता, थैंक्स नहीं करना चाहता किसी के, वो इतना अपने आप को मानता है कि जरा मैं देखूं कौन कौन मेरे लिए अपनी जान लुटाने को तैयार खड़े हैं। हीन भावना से ग्रस्त नहीं दिख रहा फिलहाल, ऐसा लगेगा ये बड़ा चौड़ा होके आया है युद्ध के मैदान में, बड़ा खुश होके आया है और ये निरीक्षण कर रहा है सेना का, हैप्पी है, खुश है, डर नहीं है उसको युद्ध का, हीन भावना भी कोई नहीं है गलत कर्म की, ये अपना दुश्मन ऐसे बनते हैं। जब विचारहीन होके हम अपने दुश्मन ऐसे बनते हैं, ये क्यों प्रसन्न है दुर्योधन? विचारहीन है, विचारहीन आदमी गलत करके भी खुश होएगा, विचारहीन आदमी अपनी जान को भी दुविधा में डाल के सोचेगा नहीं मैं सही रास्ते पर, ये इसकी विचारहीनता का परिणाम है। जो खुशी खुशी आया है, अकड़ के आया है, कोई उसके अंदर हीन भावना नहीं है, कोई उसको शर्म नहीं है कि मेरे कारण इतना बड़ा युद्ध खड़ा हो गया, ये मैंने क्या खड़ा कर दिया प्रपंच, क्योंकि उसके अंदर तो अपना ही अहम है, ये सारे मेरे लिए जान न्यौछावर करने आए। अब फिर विचार करना, तेरे लिए आए या भीष्म पितामह, तेरा पिता धृतराष्ट्र, और भी अच्छे अच्छे लोग हैं जिनके लिहाज में शर्म में ये लोग आके खड़े हैं, तेरी औकाती क्या है? कई बार हम भी अहंकार करते हैं, मेरे से ऐसा बड़ा अच्छा लेन देन रखते हैं, पहले सोच लो तुमसे रखते हैं, बाप दादाओं की रखी रखाई का बेनिफिट मिल रहा है तुम्हें, वरना तुम्हें कौन पूछता। कई बार हमारे बड़ों ने इतनी अच्छी निभाई होती है सबसे, तो फिर वो हमसे निभाने भी आ जाते हैं जबकि हम आते नहीं, जाते नहीं। उस दिन हमारे पास कोई आए शादी का कार्ड लेके, हम बाद में सोच रहे हैं ये तो बड़े लोगों का हो भाई, पहले भी शादियां होती थी, वो लोग आते थे, डैडी जी मिलते थे उनसे, बात करते थे, आज वो फिर चल के आ गए, अब हम तो कहीं आते नहीं, जाते नहीं किसी के घर, मेरे को तो कोई जानता नहीं, क्यों आए? तो समझ आया ये बड़े लोगों की रखी रखाई, अगले ये सोचते हैं वो नहीं है तो उनके बच्चे तो हैं उनसे निभा लें हम, है ना। तो दुर्योधन ये नहीं सोच पा रहा, ये विचारहीन आदमी है,
विवेकहीन आदमी ये नहीं सोच पा रहा कि ये मेरे कारण नहीं, ये इन लोगों के कारण भी तो हो सकते हैं। भीष्म पितामह का बड़ा नाम था, बहुत सत्पुरुष थे, बहुत मददगार रहे सबके, वो आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन किया, उनकी यही महिमा बहुत बड़ी थी कि आगे झगड़े ना खड़े हो जाएं, खुद ने शादी ना करने का संकल्प उठा लिया। तो इतने महान लोग जो तेरे साथ खड़े हैं, पर अपनी महानता दिख रही है, उनकी महानता दिखती नहीं, अपनी महानता दिख रही है, मैं महान हूं, मेरी वजह से लोग आए हैं, मेरी वजह से सब हुआ है और बड़ा खुश है इन बातों को लेकर के, बहुत हैप्पी। इसीलिए कहता है कौन कौन आया मेरे को दिखाओ, मैं देखता हूं कौन कौन आया। देखने के बाद एक श्लोक आया गीता में, भीष्म पितामह ने क्या किया, दुर्योधन के चित्त को प्रसन्न करते हुए शंख बजाया, सिंह की दहाड़ वाला शंख बजाया, दुर्योधन के चित्त को प्रसन्न करते हुए। दुर्योधन पितामह को प्रसन्न करे, पितामह दुर्योधन को प्रसन्न करे, उल्टी चाल। अहंकार, इसका मूल क्या हुआ, अहंकार। अब देखो, एक प्रतिष्ठित व्यक्ति है, उसको अपनी प्रतिष्ठा को प्रतिष्ठित करने की जरूरत नहीं होती है। ये एक इंपॉर्टेंट बात है, जो भी व्यक्ति महान होगा उसको बार बार अपनी महानता का प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं होती है, वो साधारण होके चलता है, नॉर्मल नेचुरल रहता है, शांत रहता है, कोई कर्म भी ऐसा नहीं करता कि लोग मेरी महानता जाने, दूसरे लोग कम हो जाएं, मैं ज्यादा हो जाऊं, ये भावना नहीं होती है। जो भी व्यक्ति अपने जीवन में प्रतिष्ठित होते हैं, महान होते हैं, वो कभी प्रतिष्ठा को प्रतिष्ठित करने के लिए कर्म नहीं करते, ना किसी से एक्सपेक्ट करते हैं कि मेरी प्रतिष्ठा को तुम प्रतिष्ठित करो, प्रतिष्ठा वाली बात ही नहीं है, तो अहंकार हो गया। अब ये कैसा व्यक्ति है दुर्योधन? कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी प्रशंसा ही सुनना चाहते हैं, जो अपनी निंदा सहन ही नहीं कर सकते हैं, जो अपनी गलती सुन ही नहीं सकते, चिढ़ जाते हैं, क्रोध में आ जाते हैं तुरंत। दुर्योधन ऐसी प्रकृति का व्यक्ति है। इसकी प्रकृति कैसी है? चिढ़ता है, कुड़ता है, बड़ी जल्दी गुस्से में आ जाता है, हर जगह उसको अपना सम्मान चाहिए। भीष्म पितामह ने उसके इस स्वभाव का ध्यान रखा है। ये गीता ज्यों ज्यों चलती है ना आगे, हमें आईना दिखाती चलती है, और ये बहुत सारे लोगों के नेचर में शामिल होता है ऐसा, प्रतिष्ठा को प्रतिष्ठित करना होता है ये। एक बार कोई मिला हमसे, बहुत जान पहचान नहीं है, कभी कभार मिलना होता है, लेकिन शायद वो अपने आप में बड़ा व्यक्ति होगा, हमें तो पता नहीं। कहता है आपका मुहूर्त हो गया आनंद सागर का, कब का हो गया, मेरे को बुला लेते, रिबन कटवा लेते। उसका मुंह देखने लगे, मैंने कहा तू सत्संगी नहीं, तेरा आना नहीं जाना नहीं, तेरे को काहे बुला के रिबन कटवा लेते भाई। ये प्रतिष्ठा प्रतिष्ठित करने की बीमारी। चार उसके साथ आके फोटो खींच जाते, फिर बताता उधर भी मुहूर्त मैंने किया, आखिर उससे नहीं रहा गया। कहता आपने किसको बुलाया था? मैंने कहा मैंने किसी को नहीं बुलाया, मेरे भगवान है ना, और किसी की जरूरत नहीं पड़ी। नहीं, रिबन के नाथों से कटा। मैंने कहा नाथों से कटा, बोलो आपने खुद ही काट लिया? हमने खुद ही काट लिया। अभी प्रतिष्ठा चाहिए जीवन में। बहुत से हमारे कर्म ऐसे होते हैं जिसमें प्रतिष्ठा का ख्याल रखते हैं पीछे, कि मेरी प्रतिष्ठा होगी, मेरा मान होगा, मेरा सम्मान होगा। कभी कभी तो पैसा देके भी लोग अपनी प्रतिष्ठा करा लेते हैं, पे करते हैं उसके लिए, लेकिन मेरे से रिबन कटाना, मेरे से ना प्राइज दिलाना, मेरे से ना ऐसा काम कराना, मैं लोगों को समाज सेवी लगूंगा बहुत बड़ा। प्रतिष्ठित व्यक्ति इन चीजों के पीछे नहीं भागते, पर प्रतिष्ठा के पीछे भागना ये भी एक अज्ञान हो गया। दूसरा स्वभाव देखो भाई,
अर्जुन वो दुर्योधन अपनी निंदा सहन नहीं कर सकता, उसको प्रशंसा ही चाहिए। ये भी स्वभाव सबके अंदर होता, प्रशंसा झूठी भी मिले हमें डाइजेस्ट है, निंदा सच्ची भी मिले हम चिढ़ मरते हैं। कोई गलती हमारी सच्ची भी निकाल रहा हो तो अंदर एक बार तो कुड़ जाता है अंदर वाला, मेरी गलती निकाल दी, मुझे गलत कह दिया, और प्रशंसा कितनी मिले जाए। हर समय ये कान तरसते रहते हैं अपनी प्रशंसा सुनने के लिए, और सावधान रहते हैं कोई निंदा तो नहीं कर रहा। इसीलिए देखो कहीं आपको जरा सा भी अपना नाम, क्या क्या मेरी बात हो रही थी, मेरी बात हो रही थी, क्या बात हो रही थी, फिर बता देगा कोई, अरे तेरी तारीफ ही करे, हाँ, नहीं, ये तो आपका बड़प्पन है, पर शांति बड़ी पड़ गई, मेरी तारीफ हो रही थी, और कहीं बात हो रही थी, अरे हम कह रहे थे इसने ये काम करके गलत किया, सही नहीं किया, अब गुस्सा आ जाएगा, पीठ पीछे क्यों बात कर रहे हो, सामने बोलो ना, हिम्मत है तो मैं बताता हूं ना, अब गुस्सा क्यों आ गया। अब अगर इस एपिसोड को ध्यान से सोचो, एक तो प्रतिष्ठा के पीछे भागना, जबरदस्ती अपनी महिमा कराना दुनिया में झूठी, क्योंकि प्रतिष्ठा भी किसकी, नाम रूप की, शरीर को लोग मान दे रहे हैं, फूलों के हार मिल रहे हैं, बुके मिल रहे हैं, यही सब होता है, और इससे ज्यादा अखबार में फोटो आ जाएगा, टीवी में आ जाएगा, बहुत ज्यादा होगा तो फिर उससे होगा क्या, कभी सोचो तो सही, आखिर तो ये तन चिता का जलावन होगा, कोई लाभ तो ज्यादा होने वाला नहीं। लेकिन चलो भागते हैं उसके पीछे, या हमेशा हम अपनी प्रशंसा सुनना चाहते हैं या हम निंदा से भागते हैं, क्या ये एक तरह का इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं है? ये इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स के लक्षण है, नॉर्मल आदमी का लक्षण नहीं है। ऐसे हमको लगता है हम साइकोलॉजी सारे साइकोलॉजिकली ठीक है, मैं क्यों जाऊं साइकेट्रिस्ट के पास, मुझे क्या जरूरत है, लेकिन अंदरूनी मानसिक तौर पर कुछ कुछ बीमारी तो है भाई, जिसकी बीमारी ज्यादा बढ़ गई, सामने आ गई, उसको आप डॉक्टर के ले गए, पर आप ये कह सकते हो कि आप बिल्कुल इस बीमारी से ग्रस्त नहीं, नहीं कह सकते, क्योंकि ये इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स अंदर पड़े हुए हैं, इसीलिए तो सारा दिन डर लगा रहता है, अपमान ना हो जाए, बेइज्जती ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, इन्हीं चक्करों में जो लोग पॉलिटिक्स खेलते हैं, इन्हीं चक्करों में तो लोग दूसरे लोगों की निंदा करके भी अपनी धाक जमाना चाहते हैं, भाई मैं निंदा करूं किसी की तो सबको मैं ही अच्छा लगूंगा, लेकिन कब तक, जब तक वो तुम्हारे इन्फ्लुएंस में, सॉरी, उसके बाद नहीं लगेगा, सिर्फ ये देखने में बात आएगी, तो ये एक तरह का इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होता है। कभी भी आपके अंदर ऐसी भावनाएं उठें तो आप देखना आप इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में जा रहे हो। अब सुपीरियोरिटी चाहिए तो इंफीरियोरिटी भी है, लेकिन सब ईश्वर अर्पण हो जाए तो ना सुपीरियोरिटी हो ना इंफीरियोरिटी हो। अब दुर्योधन को ये देखना है मेरे लिए कौन कौन आया मेरी खातिर जान गंवाने, दूसरा ऐसा शंखनाद हमारी तरफ से हो जैसे लगे एक शेर दहाड़ रहा है, मैं शेर आ गया हूं मैदान में। और बताया ना मैंने, एक तो विचारहीन है, एक युद्ध में आनंद क्यों है इसको, दुर्योधन को युद्ध में आनंद क्यों है, दुर्योधन को युद्ध में आनंद इसलिए क्योंकि वो सोचता है मैं तो युद्ध करके छीन झपट के और जीत जाऊंगा, मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं, मेरी इतनी बड़ी सेना, मेरे साथ इतने सारे लोग, सब कुछ बढ़िया है मेरा, तो मेरे को तो कोई डर वाली बात ही नहीं, मैं तो अपना छीन झपट के और इनसे युद्ध जीत के राजा हो जाऊंगा। अब यहां भी एक बात समझना, अगर आपके अंदर छीन झपट के सुखी होने का विचार आता है वो आपको दुर्योधन बना देगा। इस बात को हमेशा याद रखना, कभी भी किसी को कमजोर जान के, किसी से छीन झपट के और सुखी होने का विचार आता है
कि मैं तो, मेरे पास पावर है, मेरे पास शक्ति है, मैं तो ऐसे कर सकता हूँ, मैं तो वैसे कर सकता हूँ, मैं छीन झपट सकता हूँ। कई बार लगता है कंडीशंस हमारे फेवर में है, लगता है ऐसा, कभी लगता है हमारे पास पावर है, तो हम बड़े बेपरवाह होके ये सोच लेते हैं कि मैं तो छीन झपट के सुखी हो जाऊंगा। बच्चे नहीं होते कई, दूसरे बच्चे पे हावी होके सोचते हैं, मैं तो ये है कमजोर सा, लल्लू सा, पतला सा है, दो मारूंगा इसके तो ले लूंगा चीज इससे, फीलिंग होती है ना। अब ये दुर्योधन होने के बीच पड़ गए और वो बच्चे बड़े होके अच्छे चरित्र वाले नहीं बन पाते हैं, होता है ये। तो कभी अपने मन में भी ख्याल आ जाए ना कि मैं किसी का छीन झपट के और सुखी हो जाऊंगा। कैसे छीनूं झपटूं? जब छीनने झपटने की भावना आती है तो लोग बोलते हैं एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, फिर लोग ऐसा बोलते हैं क्योंकि छीनने झपटने की भावना है। प्यार में भी, अब लड़की ने इनकार कर दिया, मैं तेरे से शादी नहीं कर सकती, मैं तेरे से अफेयर नहीं करना चाहती, जो भी, कभी एसिड फेंकते हैं, कभी नुकसान पहुंचाते हैं, तो मेरी नहीं बनी, किसी और की नहीं बनेगी, ये क्या है? छीन झपट है। और छीन झपट आपको हमेशा गलत कर्मों में लगाएगी, और आपका ये सिद्धांत आप बना लोगे कि नहीं नहीं प्यार में और वार में सब कुछ जायज होता है, नाजायज को भी जायज कहोगे दुर्योधन वाली दृष्टि से। दुर्योधन वाली दृष्टि से आप नाजायज को भी जायज कहोगे, यही दुर्योधन कर रहा है। उसको आनंद है, युद्ध में बड़ा आनंद है, इसीलिए आनंद है कि छीन झपट लूंगा मैं तो, युद्ध भी करना है छीन झपट लूंगा। तरीके से युद्ध करे, क्यों उनको लक्षाग्रह में जलाने की कोशिश की, क्यों उल्टे उल्टे कर्म किए, क्यों उनको वनवास दिलाया, सोचने वाली बात है। युद्ध भी नीति से नहीं कर रहा, अनीति से कर रहा। जिसके अंदर छीन झपट करने की भावना होगी वो नीति का पालन नहीं कर पाएगा। चलो तुम्हें ये कहा गया कि अपना हक लेने के लिए कभी कभी तुम्हें हो सकता है कि युद्ध भी करना पड़े, कभी कभी खड़े होना पड़ता है अपने लिए, दा करो न तो दबजी वेंदा, फिर वो खाओ न तो फुरजी वेंदा, कहा जाता है। लेकिन जहां छीन झपट की भावना होगी वहां अनीति होगी, नीति नहीं होगी, आप नीति से काम नहीं कर सकोगे, वहां पर आपका मन आपको नीति से चलने ही नहीं देगा। युद्ध की नीति से चलो, तरीके से चलो, नीति से तो चलना जानता ही नहीं, उसकी पहले से आदत है छीन झपट की, और वो अभी भी छीन झपट की भावना से ही आया है कि हमने कौन सा रूल्स फॉलो करने हैं, हम तो अपना लड़ाई भिड़ाई करके, मार कूट करके, इनको दुखी सुखी करके और निकल लेंगे, हमें क्या करना। इसीलिए खुश है वो, क्योंकि पहले देख बैठा है कर्ण मेरे साथ है और लोग मेरे साथ हैं, दुशासन जैसे मेरे साथ हैं। फिर इंसान को ना जब गलत भावना होती है अंदर तो उसको बल भी ऐसे लोगों का चाहिए होता है, और वो खुश होता है ऐसे लोगों के बल पे। ये खुश है कि जो द्रौपदी की साड़ी खींच सकते हैं वो क्या नहीं करेंगे युद्ध में मेरे लिए, ये तो सब कुछ कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, ये उसकी फीलिंग है। और ये नहीं सोच रहा कि जो द्रौपदी के चीर बढ़ा सकता है, युद्ध के मैदान में भी तो आया हुआ है, फिर वो क्या नहीं कर सकता। पर वही बात हो गई, अविवेक है, अविचार है, विचारहीन आदमी उसके अंदर कुछ पड़ता ही नहीं। विचारहीन का एक और लक्षण है शिकस्त खा खा के भी, मैंने देखी दुनिया सारी मैंने फिर भी ना हिम्मत आई, फिर हिम्मत नहीं हारा, देख चुका है कि भगवान ने उनको लक्षाग्रह से भी बचा लिया, तेरे हर दाव से बचा लिया, द्रौपदी को नग्न होने से बचा लिया, देख रहा है, पर देखने के बावजूद भी उसकी बुद्धि काम नहीं कर रही। फिर सोच रहा है अभी मैं युद्ध से जीत जाऊंगा, बिना युद्ध के नहीं चलूंगा, सब कुछ दिख रहा है,
पर जब अपने दिमाग में अनीति प्रवेश कर जाती है ना, बाहर नीति अनीति सूझती नहीं। जब अपने दिमाग में ख्याल आ जाता है कि मैं तो छीन झपट के ले लूंगा सब, उसके बाद विचार की जगह नहीं बची। उसके बाद आप दुर्योधन बनोगे ही बनोगे। और दुर्योधन को क्या कहते हैं भगवान? दुर्योधन माना दुर्बुद्धि वाला। दुर्योधन की पहचान है दुर्योधन माना दुर्बुद्धि वाला, जिसकी बुद्धि खराब हो चुकी। खराब बुद्धि यही कि देख भी रहा है उनके साथ कृष्ण खड़े हैं, देख भी रहा है भगवान उनकी हर जगह रक्षा कर रहा है, देख भी रहा है मैंने अभी तक जितने दाव चले सारे बेकार गए, उसके बावजूद भी उसका मन कह रहा है नहीं, कर फिर कर फिर कर, अभी अपना पाप का घड़ा आप ही भर रहा है। पर हमको ये बात समझनी होगी यहां पे कि अगर हमने किसी का भी नाजायज हक लेने की कोशिश की, हक पराया नानका उस सुअर उस गाय, अगर पराया हक खाते हो किसी का छीन झपट के, तो उस सुअर उस गाय। मतलब हिंदू लोग गाय का मांस नहीं खाते, मुसलमान लोग सुअर का मांस नहीं खाते। तो नानक जी ने बोला कि जैसे अगर तुमने किसी का हक लिया तो जैसे तुमने गाय का मांस खाया, उसने सुअर का मांस खाया, तुमने गाय का खाया, तो कभी छीन झपट की कोशिश मत करो। अपना हक हिसाब सही तरीके से रखो, किसी को देख के परेशान मत हो, किसी के कंपटीशन में मत आओ, किसी को देख के ये मत सोचो कि मैं अगर नहीं बना पा रहा नहीं कमा पा रहा, चल मैं छीन लूं, मैं झपट लूं, मैं कोई ऐसी चाल चल दूं, ये सारी चीजें गलत है। बुद्धि से शतरंज की बाजियां खेलना दुर्योधन का काम है उसके साथ शकुनी। तुम्हारी बुद्धि मन ये शकुनी बने बैठे, सारा दिन पासे फेंकते, सारा दिन पासे चल रहा है, चलती रहती है बुद्धि, चलती रहती है, ये ऐसे करूं ये ऐसे करूं, ऐसे कर लेता हूँ वैसे कर लेता हूँ, उसको पागल बना देता हूँ उसको ऐसे कर देता हूँ, कोशिश तो करता हूँ, क्या पता पागल बन ही जाए ना आए उसके दिमाग में, ये चलता रहता है। मन दुर्योधन के साथी भी अनेक है, काम क्रोध शकुनी दुशासन सभी एक है, ये सारे एक हो गए। इंसान के पास भी ये प्रॉब्लम्स हैं, ऐसा नहीं कि दुर्योधन का अंश नहीं है। आसुरी संपदा दैवी संपदा दोनों भीतर होती है, और वो आसुरी संपदा कभी कभी हावी हो जाती है। मेरे पास चीज नहीं है इसके पास क्यों है? या तो मैं इसकी छीन लूं या बर्बाद कर दूं, या तो मेरा भी इतना काम धंधा बिजनेस बन जाए, नहीं तो इसका भी खराब हो जाए। बड़ी अजीब बात है, बहुत अजीब। ये सत्संग में आके भी प्रकृति रहती है। हमारी एक वो थी गुरु बहन, सत्संग करती थी, लेकिन वो क्या होता था, अपने से सत्संग बनता नहीं था। लेकिन अगर कहीं सत्संग किसी का बन जाए, वो बस उसकी कोशिश होती थी सत्संग खराब कर, सत्संग खराब कर। एक शहर में हम गए, इतने लोग बन गए उधर, महीने में एक बार हम जाते थे, बहुत अच्छा सत्संग बन गया, जेंट्स भी जुड़ गए लेडीज भी जुड़ गई, बहुत अच्छा। जाके बोली गुरु जी से एक बार हम भी जाएं, जाओ। उन्होंने कहा सत्संग तो एक है, तुम भी हो क्या, जेंट्स की मीटिंग बुला ले। वो लड़का आता है सत्संग करने, आपके बीवियां सुनती हैं, इतना प्यार रखती हैं उससे, ठीक तो नहीं है, पूरा सत्संग खराब हो गया, ऐसी बातें खुद ही कर दी गलत गलत, वो सब लोग हट गए। तो ये दुर्योधन वाली हालत है, दुर्बुद्धि। इंसान की दुर्बुद्धि उसका कहीं पीछा नहीं छोड़ती, छीन झपट जाता है, सोचेगा या मेरा बन जाए। अच्छा ऐसे में ना मजा आता है, या तो छीन झपट के अपना बना लो, नहीं तो डिस्ट्रॉय कर दो सामने वाले को, ये दुर्योधन बना देता है। तो दुर्योधन जो खुशी खुशी आया है, गीता शुरू हो रही है जहां से वो आया है, वो अपनी सेना को ग्रीट नहीं करना चाहता, धन्यवाद नहीं करना चाहता, वो ये देखना चाहता है कौन कौन मेरे लिए जान देने आया, देखो जा दिखाओ मुझे कौन मेरे लिए अपनी जान न्योछावर करने को तैयार है, देखना चाहता हूं। भावना ही ऐसी है, और युद्ध में आनंद है क्योंकि छीन झपट उसका स्वभाव है, उसको परेशानी नहीं हो रही।
अब आ जाओ अर्जुन पे। अर्जुन जो है, देखो एक बात और है, अगर हम अर्जुन के नजरिए से गीता सुने, हमारा जीवन भी उत्सव हो सकता है। अर्जुन का जीवन तो पता नहीं, लेकिन इतना बढ़िया ज्ञान किसी के पास हो, अगर उसका अपना जीवन आनंद उत्सव बन सकता है, बहुत मौज आती है। आज देखो थोड़ा थोड़ा ही जीवन में उतारा होगा तो कितना आनंद फील होता है, मजा आता है, सारा दिन अच्छा बीतता है, सारा दिन हम अच्छे विचारों में और अपने अंदर चेंज फील होता है और वहीं से आनंद उठता है। अरे मैं पहले वाला होता ना, देखो आज गुरु की कैसी कृपा है। अरे अगर मैं पहले वाला होता, मेरी आज गुरु ने कैसे मेरे को बदल दिया, अपना जीवन आनंद उत्सव हो जाता है ना। ये अगर हम अर्जुन के नजरिए से सुने गीता को, अगर हम अपने आप को समझने की कोशिश करें, अगर हम अपने अंदर विचारशील होने की कोशिश करें, तो हमको भी गीता बहुत आनंद दे सकती है। अब भगवान ने चुना अर्जुन को किसके लिए, गीता का ज्ञान देने के लिए। क्यों चुना? अर्जुन विवेकी है, अर्जुन विनम्र है, अर्जुन विचारशील है। ये तीन बड़े प्यारे गुण हैं। विनम्र, नम्रता, भगवान के पैरों के पास खड़ा हुआ था, स्वभाव से विनम्र है, विवेकवान है। विवेकवान ना होता तो विचारशील ना होता। अब देखो बात, जिसके जीवन में विचार होता है, विवेक होता है, उसके जीवन में दुख भी होगा, दुविधा भी होगी। विचारवान आदमी दुखी मिलेगा। कबीर जी ने क्या लिखा, सुखी सब संसार खाए और सोए, दुखिया दास कबीर जागे और रोए। क्यों लिखा उन्होंने ऐसा? बोला संसार तो सारा सुखी है, खाए और सोए, खा लेते हैं सो जाते हैं, सारी अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। कई बार मेरे पास भी लोग आते हैं, हम सत्संग से पहले उल्टा सुखी थे, अब तो हर जगह प्रॉब्लम है, सत्संग आगे आ जाता है परेशानी हो जाती है, घबराहट हो जाती है, दुखी हो जाते हैं। ये तो ज्ञान की निशानी है ना, विवेक की निशानी है। जो व्यक्ति विचारशील होगा वो दुखी तो जरूर होगा। पहले तो बिना विचारे दुर्योधन की तरह काम हो जाते थे, कोई परेशानी थी नहीं, दुर्योधन बने हुए थे, विचार था नहीं, काम कर लिया जो करना। अब तो भैया जो करोगे अंदर इधर आके गला घुटेगा, विवेक अपना अपना कॉन्शियस, गुरु नहीं देख रहा, गुरु कुछ कह भी नहीं रहा, पता भी नहीं गुरु को, चाहे अकेले हो बाथरूम में बैठे हो, पर उधर भी कोई गलत ख्याल आ गया ना, उधर भी अपना कॉन्शियस कहेगा तू ज्ञानवान है, तू गुरुवान है, तू किसके लिए गलत सोच रहा है। देखो बाहर निकलो एक आंख गलत चली जाए किसी की तरफ, अंदर वाला कहेगा सवेरे इसी मुंह से सत्संग जाके बैठ जाएगा, अब बाहर स्त्री देख रहा है, बाहर गलत भावना रख रहा है। इनर कॉन्शियस, जब विवेक से विचार जागते हैं ना, तो अपने विचार आपको एक बार तो दुखी करते हैं, और कभी कभी तो लगता है फंस गया मैं सत्संग सुन के, सुखी था अपना जो मर्जी किए जा रहा था, अब तो भाई हर बात में टेंशन हो जाती है, हर बात में दिमाग में सत्संग आ जाता है। पहले तो किसी का 5 लाख खाके भी कुछ नहीं था, अब एक 5 पैसे भी आ जाए अपनी तरफ तो लगता है भैया पूरा हिसाब करो, हमको नहीं जन्म मरण में फंसना किसी के साथ। पहले तो कितना गलत करके भी सोचते थे मेरा प्रॉफिट होना चाहिए, अब लगता है नहीं, जायज अपना हक लो, ये हराम का पैसा घर को भी खराब करेगा, बच्चे को भी खराब करेगा, मुझे नहीं खिलाना अपने बच्चों को ऐसा पैसा। अब देखो परिवर्तन, पहले लगता था करो करो, दिखाओ कुछ और, दे दो माल कुछ और, कोई बात नहीं कर लो हेरा फेरी, दिखता थोड़ी है बाहर से, अब करके दिखाओ, रात को अपनी नींद हराम हो जाएगी। दादाजी के पास वो डॉक्टर था ना उदयपुर में, पहले पहले दादा पाकिस्तान से आए, उदयपुर में रुके थे, डॉक्टर मिला था हमको पहला पहला सत्संगी, उसने इंजेक्शन लगाए थे पानी के, गवर्नमेंट हॉस्पिटल था, इंजेक्शन मिलते थे, इंजेक्शन मार्केट में बेच देता था, पानी के इंजेक्शन ठोक देता था पेशेंट्स को, पेशेंट मर गए। अब कहता था रात को वो पेशेंट, उनके रिश्तेदार, मेरे को ऐसे लगता है सारे मेरा गला दबा रहे हैं रात को आ,
कि तूने हमें मार डाला। अभी देखो कॉन्शियस जागता है पर बहुत लेट जागता है तो फायदा नहीं, पर समय पर किसी का विवेक जाग जाए गलत कर्म होने से बच जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है। अर्जुन दुखी है, हमको दिख रहा है अर्जुन दुखी है। हम कह देते हैं आया क्यों था, घर से तो लड़ने ही आया था, दुखी है, दुविधा में भी है। दुविधा में क्यों है, कब तक होते हैं हम दुविधा में? जब हम मन के अधीन भी हैं और कहीं ना कहीं कॉन्शियस भी थोड़ा सा जागृत है। सत्पुरुष तो है ही, कॉन्शियस तो जागृत है। अब दुविधा माना सत्य और असत्य के बीच लड़ाई चल रही है, जड़ चेतन में लड़ाई चल रही है, मन और विवेक की लड़ाई चल रही है। कई बार आप अपने को दुविधा में देखोगे, एक तरफ बड़ा अच्छा ऑफर आ रहा है, थोड़ी सी हेरा फेरी करनी है, दूसरी तरफ विवेक कह रहा खबरदार क्यों करना है, कहां ले जाएगा, हिसाब भी तो देगा आगे जाके दरगाह में। एक तरफ विवेक खड़ा, विवेक इतना कठोर न्यायाधीश है, भगवान भी माफ कर दे, गुरु भी माफ कर दे, वो अंदर बैठा विवेक माफी नहीं करने को तैयार। जब अपने अंदर पश्चाताप की अग्नि जलती है, जब अपने अंदर हमारे उलझन होती है, जब अपने अंदर से हम परेशान होते हैं, निर्णय भी सही तभी निकलते। देखो कभी भी मन में दुविधा की स्थिति आए या कभी कभी दुख लगना शुरू होता है, विचार करते करते लगता है हम फंस गए, परेशान हो गए, उस स्थिति को सहन करना चाहिए ताकि आप एक निर्णय तक पहुंच सकोगे। विवेक को जीतना ही चाहिए। कि कभी कभी क्या होता है, हम जब उस दुविधा को नहीं सहना चाहते ना, फिर हम मन का कहना मान लेते हैं। लेकिन ये तो आदत पड़ी है हमें मन के अधीन, विकारों के अधीन चलने की। तो विवेक से चलोगे तो थोड़ी उलझन आएगी। दो अवस्था, शुरू में विवेक से चलना मुश्किल लगता है। जब विवेक से चलते हो ना, उलझन होती है, परेशानी होती है, दुख होता है, हलचल आती है अंदर। लेकिन चलते चलते एक अवस्था ऐसी आती है जब विवेक से ना चलने में परेशानी होने लगती है। पहले तो शुरू में लगता है विवेक से चलना मुश्किल है, मन से चलना आसान था, पर चलते चलते इस मार्ग पर आपको एक स्टेज आएगी जहां हो ही नहीं सकता आप विवेक का अनादर कर पाओ, पर आप विवेक से चलोगे ही चलोगे। आपको लगेगा नहीं, मैं गलत नहीं कर सकता, मैं ऐसे काम नहीं कर सकता, मेरे को तो भाई सत्य पर ही रहना है, कुछ भी होए, नफा होए नुकसान होए। अब समझ आएगा राजा हरिश्चंद्र, धर्म पर बिक गए तीनों प्राणी। राजा हरिश्चंद्र देखो सत्य के खातिर गुरु लोगों ने कुर्बानियां दी, नानक जी के बाद बादशाहियां चली सत्य के खातिर। फिर लगेगा सत्य जीतना चाहिए, कुछ ही कुर्बान करना पड़े, चाहे अपनी जीवन क्यों ना कुर्बान करनी पड़े, पर चलना किस पर है, सत्य पर चलना, विवेक से चलना, जागृत होके चलना। ये दुख और दुविधा विचारवान आदमी के पास आएगी, जरूर आएगी। कभी कभी लोग भी मजाक उड़ाएंगे, पागल है, लेकिन हम जानते नहीं, सत्य असत्य का मंथन करना जरूरी है, जरूरी है बात ये। अब होता है ना मन को रोकना, इंद्रियों को रोकना, इंसान को कठिन लगता है, मन के अधीन लेता है रस, कहता है कोई जान थोड़ी रहा है, कोई देख थोड़ी रहा है, और धीरे धीरे वो आदत बन जाती है। अब उससे छूटना मुश्किल, हटता ही नहीं मन वहां से, और मन तुम्हारा कभी कभी गुरु को भी नहीं बताने देगा, उसको मालूम है गुरु मेरे पीछे पड़ जाएगा, दुविधा रहती है अंदर।
और कभी कभी वो विचार चल जाए तो परेशानी भी होने लगती है, पर फिर हम वहां से ध्यान हटा लेते हैं। अच्छा ठीक है ना, हो जाएगा धीरे धीरे, बैठते बैठते, पहले भी मैंने क्या किया, भगवान ने करा दिया, अब भी करा देगा, भगवान करा देगा, फिर ऐसे ऐसे विचार देने पड़ते हैं अपने को। लेकिन है झूठ, अपने आप को ठग रहे हो, धोखा दे रहे हो। तुम्हें मालूम है तुम मन के अधीन हो, तुम्हें मालूम है तुम इंद्रियों के अधीन हो, तुम्हें पता है तुम्हें रस घसीटते हैं, तुम्हें पता है तुम अपने ही मन में अपने आप को संयम में नहीं रख पाते हो, मालूम है तुम्हें। लेकिन तुम बड़ी होशियारी से दुर्योधन की तरह सोचते हो चालाकी से काम बन जाएगा, लेकिन अर्जुन जैसा होगा वो दुविधा में आएगा ही आएगा, दुखी होएगा ही होएगा। उसको जो आदतें पड़ी हुई हैं, मन जो घसीट रहा है, तो युद्ध तो चलेगा ना अंदर, परेशानी कैसे नहीं आएगी, बहुत जबरदस्त परेशानी आएगी, हलचल होएगी, उलझन होएगी मन में। लेकिन वो एक अच्छी निशानी है, कितना ही सहना पड़े। अब वशिष्ठ मुनि राम जी को ज्ञान सुना रहे हैं, क्या कहते हैं, दांत से दांत बीच के 10 नाखूनों का जोर लगा के भी हे राम जी इस इच्छा को वश करो, यही बोला। अब तुम अपने से देखो, तुम कितना काम अधीन है, कितना निष्काम है, अपने से पूछ के देख लो, कहां स्टैंड कर रहे हो, क्या तुम्हारी स्थिति है, तुम्हारा इनर कॉन्शियस क्या कहता है। और जब तुम्हें ये लगे तुम्हारा कॉन्शियस तुम्हें गलत करने को अलाउ कर रहा है, तो तुम समझ लेना कि अभी तुम विचारशील नहीं हो, विवेकहीन ही हो। और जब तुम्हारा कॉन्शियस तुम्हें अलाउ ना करे, तब समझ लेना तुम विवेकवान हुए हो, विचारशील हो। अपने आप से देख लेना, तुम अपने आप को ढील दे सकते हो तो तुम विचारहीन हो, तुम अपने आप को खुली छूट दे देते हो, कोई बात नहीं, जब सारी जगह से तो कंट्रोल कर लिया, एक आधा विकार है निकल जाएगा, ये भी एज के हिसाब से खत्म हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, बड़े सारे उल्टे पुल्टे विचार दे के मन को शह दिए रखते हैं। क्यों, तकलीफ नहीं सहना चाहते, अपने को विचार से विवेक से चलाने में तकलीफ होती है, मन के अगेंस्ट जाने में शुरू में तकलीफ होती है, और वो तकलीफ हम उठाना नहीं चाहते। तो हमको लगता है जैसे गाड़ी चल रही है चलने दो, कोई बात नहीं, सत्संग तो सुन ही लिया, गुरु की कृपा तो हो ही रही है, आगे भी होती रहेगी, करेगा भगवान मेहर अपने आप। ऐसे ऐसे विचारों से हम अपने को बुद्धू बनाते रहते, फिर जब परिणाम निकलते हैं, परिणाम क्या निकलते हैं, संसार में परिणाम कर्मों के फल सामने आते हैं। बच्चों को हेरा फेरी का, चोरी का पैसा खिला दो, बच्चों के संस्कार ही खराब हो जाते हैं, आ गया सामने, जन्म मरण आएगा सामने, और कई तरह से पाप की माया प्रायश्चित खा के जाती है, वहां ये हो गया। सत्संग में आके अगर विचार से नहीं चले, जीवन भी दाव पे लग गया, धारण कुछ नहीं हुआ, एक समय आके लगेगा मैं तो खाली का खाली, मैंने तो आनंद अनुभव नहीं किया, समाधि अनुभव नहीं की, मैं तो जागृत नहीं हो पाया, मेरी तो अंदर की शक्तियां जागी नहीं, मेरी अंतर चेतना का विकास हुआ नहीं, या फिर ये पछतावा रह जाएगा। तो इसीलिए अपने आप को ज्ञान के अनुसार चलाने के लिए हिम्मत जुटानी पड़ती है, पुरुषार्थ करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। तो ये जब करोगे, अर्जुन की इस अवस्था से निकलोगे, दुविधा वाली और दुख वाली, हर जिज्ञासु गुजरता है इस अवस्था से, कोई जिज्ञासु नहीं निकल सकता ऐसे। जैसे कहीं भी हम जाते हैं तो एक सिक्योरिटी पॉइंट बना रहता है ना, आजकल तो शादियों में भी तुम होटल में चले तो सिक्योरिटी पॉइंट है, पहले आपकी गाड़ी भी चेक होगी, आप भी चेक होगे, सिक्योरिटी से पास हुए बिना कोई अंदर नहीं जा सकता, ये सच है। इधर भी ये सच है कि जिसने जीवन में विवेक को उजागर किया, विचार धारण किया, वो दुखों और दुविधा से निकलेगा ही निकलेगा, उसके बाद ही निर्णय की स्थिति आएगी, एक बार गुजरेगा,
वो अलग बात है कोई कम कोई ज्यादा। अब जितना कोई मन अधीन गलत चल के आया है, जितना विचारों का स्तर गंदा है, जितना कर्म गलत है, उतना दुख और दुविधा ज्यादा। कोई सत्पुरुष होता है उसको दुख दुविधा थोड़ी कम आती है, क्योंकि पहले से ही सतोगुणी। ये फर्क होता है, ये ध्यान रखना है। अब इसमें एक बात और आ गई कि एक साधारण व्यक्ति है, वो कर्म करने के बाद पछताता है, और साधु पुरुष का लक्षण है कर्म करने से पहले विचारता है। दुर्योधन पछताएगा बाद में, अर्जुन साधु पुरुष है, पहले विचार रहा है कि ये कर्म करना मेरे लिए उचित है या नहीं, मुझे ये कर्म करना चाहिए नहीं करना चाहिए। वो अपने कर्म का बेस भी ढूंढ रहा है, परिणाम भी देख रहा है। ये एक अच्छे जिज्ञासु का लक्षण होता है कि वो अपने कर्म का इंटेंशन उसको क्लियर हो, मेरे कर्म का इंटेंशन क्या है। ये नहीं कि कहीं हो गया, पता नहीं कैसे हो गया, कर गया मैं तो, ये नहीं। अपने कर्म का इंटेंशन क्लियर पता होना चाहिए, कौन सा कर्म मैं किस भावना से कर रहा हूं या करने जा रहा हूं, मालूम होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, कर्म के परिणाम को भी ध्यान में रखे। ये जो आदत है ना हमारी, ये कहने की आज तो करो देखी जाएगी, अरे कल की कल देखेंगे, ये सबसे गलत आदत है। परिणाम का विचार हमेशा होना चाहिए कि इसका क्या परिणाम निकलेगा, इसका क्या रिजल्ट होगा। जब परिणाम ध्यान में रखेंगे तो हमेशा आपके पास रिजल्ट अच्छे होंगे। और जब कर्म कर जाओगे मन के अधीन, पछतावा, असाधु माना करे और पछताए, साधु माना करने से पहले विचार करे तो पछतावा नहीं, क्योंकि उसने सोच लिया था मेरी भावना क्या है, कर्म का रिजल्ट क्या निकलेगा, उसने सारा कुछ सोचा होगा। अब जब सोचा हुआ है तो वो परेशान नहीं होगा, सोचा हुआ है तो वो दुखी नहीं होगा, सोचा हुआ है तो उसके अंदर बाद में हलचल नहीं आएगी। तो ये कभी मत बोलना, आपको कई लोग कहते हुए भी मिलेंगे, आज तो कर ले कल की कल देखी जाएगी। कल किसने देखा, कल किसने देखा, कल तो बड़ी जल्दी आ जाता है, नहीं आ जाता कल। अभी हम तुमको बोले भाई हमको आए 4 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, लगा ही नहीं 4 दिन हो गए, मतलब क्या हुआ, कल तो जल्दी आता है ना फिर भाई। अभी तो ठीक है जाएंगे, कोई भी आया हो, या हम लोग किसी भी शहर जाते हैं, अब हम बोलते हैं अच्छा जाएंगे अब कल, और इतनी जल्दी, अरे इतने दिन तो हो गए तुम्हारे पास, कल जल्दी आता है कि नहीं आता, आप खुद सोच के बताओ। कल आपके बच्चे, अभी आपकी शादी हुई थी, आज बेटे की शादी भी है, कहते पता ही नहीं चला, टाइम बीत गया, ये पढ़ भी गया, नौकरी भी लग गया, शादी लायक हो गया, ये दिखता नहीं है। कल पैदा हुआ था बच्चा, किसी के बच्चे को छोटा देखा होता और मिलो कुछ समय बाद, अरे इतना बड़ा हो गया ये, किसने कहा कल किसने देखी, कल तो बड़ी जल्दी आ जाता है, फटाफट आता है, देरी नहीं लगती। तो ये मत बोलो कल किसने देखी, आज तो कर लें, अरे देखी जाएगी, कोई स्वर्ग नरक नहीं है, सब धरती पर है। लोगों को ऐसा वाला ज्ञान भी बड़ा अच्छा आता है, कौन है ऊपर, ऊपर कोई नहीं, ऊपर तो कोई नहीं है, नीचे तो सब कुछ है। भगवान ने विधान बनाया, दीवार को मुक्का मारो, अभी चोटेगी, चोट लगेगी, अभी टूटेगी हड्डी, क्या कल टूटेगी, आने वाले समय में। क्रियामान कर्मों की भी कुछ सजाएं भगवान ने दे के बता रखा है कि मेरी प्रकृति में न्याय है। ये इशारा ही तो दिया, 3 प्रकार के कर्म बना डाले, संचित भी, प्रारब्ध भी, क्रियामान भी। बीज ऐसे बना डाले, आम जैसा देता रहेगा फल, धनिया बो के देखो अभी 2-4 दिन में निकल आएगा, बीज के देखो, बैंगन गोभी आ जाएंगे फल 6 महीने साल में, आलू डाल के देख लो। क्या बताया है भगवान ने कि बीज तो तुम डाल लो, कईयों के फल तुरंत निकालता हूं, कईयों के थोड़े समय बाद, कईयों के ठीक है अगले जन्मों में भी।
ये भी देखो कई क्रियामान कर्मों के फल निकलते, कई बहुएं आती, कई आती हैं हमारे पास सासें, कहती जो मैंने अपनी बहू से किया था वही ये कर रही है मेरे से, आ गया फल सामने, कुछ साल लगे बस आ गया सामने, कुछ तुरंत फुरंत, अभी मुक्का मारो दीवार को, अभी चोट खा लो तुरंत। तो ये कभी मत कहना कल किसने देखी है, ये कभी मत कहना कल की सोचने की जरूरत नहीं है, बहुत जरूरत है। ये साधु आदमी का लक्षण, अर्जुन ने ये जो सब सोचा ना, वर्ण संकर पैदा होगा, खून से सनी धरती होगी, मेरे वाले ही नहीं होंगे, मैं राज करके क्या करूंगा जब अपने वाले मार बैठूंगा, ये एक सत्पुरुष का लक्षण है। भगवान ने एक कैरेक्टर ऐसा पैदा किया है अर्जुन, जो हमको साधुता के लक्षण सिखा रहा है कि कुछ भी करने जा रहे हो उसके परिणाम विचार, इसका इफेक्ट क्या आएगा, गलत कमा रहे हो इफेक्ट सोचो, मेरे बाल बच्चों पे क्या असर आएगा, ऐसा तो नहीं डॉक्टरों को जाए, वकीलों को जाए, ऐसे तो आग लग जाए, चोर खा जाए, अरे भाई ऐसा तो नहीं होगा, विचार करो। ये अर्जुन ऐसा बढ़िया चरित्र है, ये हमको एक अच्छे साधक होने का, साधु होने का, सत्पुरुष होने का मार्ग दिखाता है। कहता है विचार से चलो, पहले अपनी इंटेंशन भी बता रहा है भगवान को कि मैं नहीं चाहता ये सब, युद्ध चाहता ही नहीं हूं, भगवान तुम ही संधि करा दो। इंटेंशन बड़ा क्लियर किया पहले अपना कि मैं थोड़े में राजी हूं, लालची तो नहीं हूं, लोभी तो नहीं हूं, ज्यादा की मांग तो मेरी नहीं है, पहले ये सब। और उसके बाद क्या हुआ, जाके कर्म का भी परिणाम सोच रहा है कि मान लो ये युद्ध हो भी जाता है, पहले तो यही निश्चित नहीं मैं जीतूंगा कि सामने वाला जीतेगा, चलो भगवान आप कहते हो मैं जीत भी जाऊंगा, लेकिन उसके बाद ये सारा परिणाम निकलेगा। तो साधु माना करने से पहले विचारे, असाधु माना कर ले मन के अधीन, फिर बाद में बैठ के पछताता फिरे। ये एक जिज्ञासु का लक्षण होना चाहिए, कोई भी कर्म करने के बाद अगर उसको रिग्रेट्स हैं, ये उसका अज्ञान है, उसने बिना विचारे किया। ज्ञानी के जीवन में रिग्रेट्स नहीं होते, बाद में पछताता नहीं है, मैं ऐसा ना करता, मैं वैसा ना करता, पहले ही सोच के किया था, रिग्रेट्स नहीं है। मैंने किसी को कुछ कहा, वो नाराज हो गया, सत्संग छोड़ गया, रिग्रेट्स नहीं, हमने सत्य कहा, सत्य पे चलने आया तो चले, रिग्रेट नहीं है, चला गया तो चला गया। तुम बोलो कि हम ना कहते, प्यार से कह देते, हमने ऐसे कह दिया उसको बुरा लग गया, ये सब भी क्यों, रिग्रेट्स की क्या बात है। गीता भगवान को बोला किसी ने, भगवान आप सत्संग में कभी कभी बहुत जोर से कह देते हो कुछ भी, कोई जाके आप घात कर ले तो, भगवान ने बोला मेरे को तब भी दोष नहीं, मैंने सत्य कहा, वो सत्य सुनने आया था, मेरी दहलीज क्यों पार कर, सत्य सुनने आया था ना, मैंने सत्य सुनाया, नहीं बर्दाश्त कर सका, आपघात कर लिया, मैं क्या करूं, मेरे पे दोष नहीं है उसका, आया किस लिए था वो। तो ज्ञानी के कर्म में रिग्रेट्स नहीं होते, पहले परिणाम को सोच के चलता है, विचार के चलता है। दुर्योधन विचारहीन, बिल्कुल विचारहीन, इसीलिए उसको युद्ध में आनंद। अर्जुन है विचारशील, इसलिए उसके पास दुख भी है, दुविधा भी है, और वो बार बार भगवान से अपनी मनस्थिति भी बता रहा है। यहां से गीता शुरू होती है, ठीक है, भजन बताओ। गुरु के ज्ञान में वो शक्ति है, वो ही दर्पण को साफ करती है। गुरु के ज्ञान में वो शक्ति है, वो ही दर्पण को साफ करती है। दादा ने बीज जो उगाए हैं, एक दिन
निकलते हैं। दादा ने बीज जो उगाए हैं, एक दिन उससे फल निकलते हैं। जब से डोरी गुरु से जोड़ी है, तब से जीवन गुरु ये तेरी है। जब से डोरी गुरु से जोड़ी है, तब से जीवन गुरु ये तेरी है। अब तो दूजा निकलते हैं।